अनंतपुरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो। दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है वो तबले के ऊपर है कि हमें हाथ की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हाँ, हम दूसरे को तबला बजाते देखते हैं और उसके बाद जो कि हमें उनका तबला अच्छा लगता है, बट हमारा तबला जो हम बजाते हैं वो अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, उसके लिए हमें अलग से प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे हम और ठेके बजाते हैं, उनमें जो बजाने वाले बोल होते हैं, हम उन बोलों पर ध्यान नहीं देते और उनकी जो मिठास होती है, उनके बजने का स्टाइल, जो उसका साउंड होता है, वो प्रॉपरली हम निकाल नहीं पाते। तो इसीलिए हमें जो अपना तबला है वो अच्छा नहीं लगता, तो दूसरों का तबला अच्छा लगता है। तो हमारे में ये क्या कमियां हैं, हम उस कमियों को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबकी लिसनर की डिमांड पर ही हमने ये वीडियो बनाई है। मैं आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट साथ में ये भी है कि अगर आप को साउंड सुनने में कोई दिक्कत आती हो तो आप कानों में हेडफोन लगा के इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम आपको बता रहे हैं आज का लेसन। जो सबसे पहले है कि हमें हमारी तिरकिट जो है वो अच्छी तरह से नहीं बजती, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो तिरकिट की प्रैक्टिस करनी है, जहाँ तिरकिट हाथ का रखाव करना है, तो दोस्तों सबसे पहले हमारा हाथ जो है, ये अंगूठा है, ये नीचे नहीं घुसना चाहिए, ये नीचे नहीं होना चाहिए। और जो हमारे हाथ का रखाव, ये जो तीन उंगलियां हैं वो साथ में होनी चाहिए, बिल्कुल साथ जुड़ी होनी चाहिए, ये खुलनी नहीं चाहिए। अगर खुली नहीं होगी तो इसका जो है वजन नहीं बनेगा, तो आपको जो साउंड निकालना है वो अच्छी तरह से नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हाथ की जो कंडीशन है वो ऐसी होनी चाहिए, आप ध्यान से देख सकते हो, ऐसे आपको हाथ ऐसे रखना है और बिल्कुल सेंटर में जो बड़ी वाली उंगली है वो बिल्कुल तबले के बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में होनी चाहिए और ये हाथ यहाँ। सबसे पहले हमें तिरकिट की प्रैक्टिस करनी होगी। तिरकिट हमारी अच्छी नहीं चलती या हम तिरकिट बजा नहीं सकते, जब एकदम से नहीं बजा सकते, उसके लिए बोल, बिल्कुल सरल बोल, एलिमेंट्री बोल मैंने आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले आपको किनार पे तवा बजाना है और के साथ में, और जो इसके बोल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हो, नोट ऑन कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमें हाथ की तैयारी, तिरकिट की तैयारी करनी है, वो हमें तक तिरकिट तक तक तिरकिट बजा के हमें करनी है। जैसे ता ग, ता ग, के, र, के, त। तो दोस्तों, सबसे पहले तिरकिट बजाने में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हमने ते बजाया तो ये वाला अंगूठा नीचे नहीं घुसा होना चाहिए और ये उंगली थोड़ी सी ऊपर उठी होनी चाहिए। जैसे ते जो बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए हमारा हाथ, तिरकिट की प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल ते, और साथ में ही रे बजाना है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है कि ये हाथ जब आपने ते और रे, अब जब रे बजाया, आपका हाथ ये खुलना नहीं चाहिए। अगर आपका हाथ ही खुल जाएगा तो इसका वजन कम हो जाएगा और ये गजरे से आगे नहीं जाना चाहिए। जब आपने रे बजाया ना, आपने रे बजाया तो आपका हाथ ही गजरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे आपने ये बजाया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे खुला नहीं होना चाहिए। ते साथ में रे, ते ज, ते र, और अंगूठा है वो, अंगूठे की जो पोजिशन है यहीं पर होनी चाहिए। और इसके साथ क, के लगाना है, तो पूरे बोल बजाने हैं हमें, ता क, ता क, ते र, के, त। तो दोस्तों, हाथ जी अगर जब आपने र बजाया तो ये हाथ नीचे टच नहीं होना चाहिए, ये हाथ ऊपर होना चाहिए। और जो जब आप तिरकिट बजाते हो तो आपकी ये जो हाथ की हथेली है, ये नीचे वाले हैं, पोटे हैं, आपको यहाँ गजरे पे टच नहीं होने देने, सिर्फ जो शुरुआती वाली उंगलियां हैं, सिर्फ ये टॉप वाली, बिल्कुल बिल्कुल टॉप की जगह आपको इससे जो बजाना है, त्रिकट बजाना है, ऐसे ते र, ते र, ते र, के, ट, ते र, के, ट।
तो थोड़ी सी स्पीड में मैं आपको बजा के दिखाता हूँ कि जैसे हमें क्रिकेट की प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले हमें स्लो से ही शुरुआती करनी है और हर 5 मिनट बाद आपको इसकी लय बढ़ानी है। ये ना हो कि आप पहले तेज तेज बजा रहे हो, तक तक क्रिकेट, तक तक क्रिकेट, आप एकदम में 5 मिनट में तक तक क्रिकेट, तक क्रिकेट, आप ऐसे बजाने लग जाओ, फिर आप फिर स्लो हो जाओ। नहीं, आपको धीरे धीरे अब इसकी लय बढ़ानी है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे शुरुआती हमने की ये भी देखना है आपको कि हाँ, जो आपकी साउंड आप निकालना चाहते हैं, आपकी उंगलियां सही जगह पे है कि नहीं है, आप स्ट्रेट होके बैठे हो कि नहीं बैठे हो, ये प्रैक्टिस में ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। तो आप धीरे धीरे पहले इसका रियाज शुरू कीजिए, जैसे ता क ता क के र के ट ता क ता क के र के ट। फिर 5 मिनट थोड़ी सी आप इसी लय को बढ़ा सकते हो, जैसे ता पांच मिनट के बाद फिर बाद आप इसकी जो स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, जैसे ये बजेगा तक तक क्रिकेट, तक तक क्रिकेट, तक तक क्रिकेट, तक तक क्रिकेट। हाथ को चलाया क्रिकेट वाली जगह पे, तो दोस्तों आप सबसे पहले ये बात है कि जब आपकी तक तक ये चल रहा है, आप इस बोल को उल्टा भी बजा सकते हो, आप तिटकिट तक तक भी बजा सकते हो, तो दोस्तों जो दूसरा फ्रेज है वो है धागे तिटकिट धिन्ना गिन्ना, ताके तिटकिट धिन्ना गिन्ना। हमने जो हाथ है वो के, उसकी तो प्रैक्टिस तिटकिट तक पे हमारी हो जाएगी। हमारी यहाँ दो जो उंगलियां हैं, इन उंगलियों को चलाने के लिए जो मैंने दूसरा फेस बनाया है वो ऐसे है, धागे तिटकिट धिन्ना गिन्ना, ताके तिटकिट धिन्ना गिन्ना। जैसे धागे मैं से स्लो बजा कर दिखा रहा हूँ, धा जब जब ऐसे हम बजाती हैं, जैसे धा बजाती हैं, तो धा जो ये छोटी उंगली से बजाना है, ताकि अगली जो बार है वो हमें गे इसके साथ बजाना है, धा गे धा धा ऐसे धा धा गे इसके साथ धा गे धागे जहाँ पे ती बजाते हैं हम, जहाँ पे हम ती बजाते हैं ना, ये मैदान में जिसे हम लाप भी बोलते हैं, यहाँ पे ती के साथ हमें घे लगाना है, ठीक है? ये बन जाएगा धी, ये बोल बन जाएगा धी, धिन्ना और गिन्ना, ये बोला है धागे तो देखिए दोस्तों ये कैसे बजेगा, धागे तो दोस्तों ध्यान से देखो फिर भी धागे। अगर आप इसकी हर रोज 10 मिनट आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो क्रिकेट है वो अच्छी खासी चलने लग जाएगी। और इसके साथ क्या होगा कि दोस्तों आपकी ये दोनों उंगलियां भी चलने लग जाएंगी, के भी चलने लग जाएगा। हमें एक प्रैक्टिस
करने से हमारे कितने काम जो कितने बोल हैं वो सरल हो जाएंगे, तो ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दोस्तों धागे तिटकिट धिन्ना गिन्ना को उलट पलट कर भी हम बजा सकते हैं, जैसे हमने धागे तिटकिट धिन्ना गिन्ना, अब हम तिटकिट को आगे ले जाते हैं और धिन्ना गिन्ना को सेंटर में और धागे लास्ट में, जैसे तो आप इसे उलट पलट कर भी बजा सकते हो, जैसे धिन्ना गिन्ना धागे धिन्ना गिन्ना धागे धिन्ना गिन्ना धागे। तो दोस्तों ऐसे प्रैक्टिस करने से आपके जो बोल हैं काफ़ी सरल हो जाएंगे। हर रोज़ 15-15 मिनट ये दोनों की प्रैक्टिस करने से आपके जो तबले के बोलों में जो मिठास है वो भर जाएगी। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक भी करें, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते हैं वो मिले सबसे पहले आपके पास आए और आपको उसका जो फ़ायदा है वो आप भरपूर उठा सकें। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। सत श्री अकाल, अलविदा, नमस्कार।